नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, महाभारत की। एनसीपी में रविवार को हुई बगावत की क्या पार्टी अध्यक्ष शरद पवार तक को भनक नहीं थी? ये कैसे हो गया उनकी पार्टी में और उनको पता भी नहीं था? ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि वो कितना कंट्रोल में है अपनी पार्टी के। आज वो भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या कल ये बोले कि मैं फिर से बनाऊंगा, लेकिन आपकी नाक के नीचे ये सब होता रहा और आपको पता ही नहीं चला। ये सवाल सब पूछ रहे हैं। कोई कह रहा है कि सियासत का चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार को सब पता था और राजनीतिक अंक गणित में परिवार के सदस्यों के उलझ जाने के चलते उन्होंने इस बार अजीत पवार को अपना फैसला खुद लेने की छूट दे दी। कोई कहता है कि सब महज अटकलबाजी है, शरद पवार को कुछ पता ही नहीं था। खैर, अजीत पवार ने 8 अन्य विधायकों के साथ जिस तेजी से उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसने बाकी सबको तो हैरान कर ही दिया। अजीत पवार बीते 4 साल में तीसरी बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने हैं और कुल 5वीं बार राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है। तीसरी बार तो पिछले 5 साल में और 3 अलग अलग मुख्यमंत्रियों के लिए वो उप मुख्यमंत्री बने। उनके पाला बदलने को लेकर तो अटकलें हमेशा ही चलती रही हैं, लेकिन ज्यादा हैरानी तब हुई जब उनके शपथ ग्रहण समारोह में प्रफुल्ल पटेल की मौजूदगी दिखी, जो शरद पवार के सबसे खास माने जाते हैं। अच्छे बुरे हर समय उनके साथ रहते। शरद पवार ने कहा कि प्रफुल्ल पटेल ने उनका भरोसा तोड़ा है। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी से राज्यसभा सांसद हैं और अटकलें हैं कि प्रफुल्ल पटेल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ये पहले भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में कल से लेकर के आज तक का जो घटनाक्रम रहा है महाराष्ट्र के महाभारत का, उससे जुड़े हुए 2 बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की हम प्रयास करेंगे इस कार्यक्रम में। सवाल नंबर 1, आइए फुल फ्रेम जरा आपको ये दिखा दें। सवाल नंबर 1, एनसीपी के इन नेताओं को बीजेपी के साथ जाने को मजबूर क्यों होना पड़ा? यह सबसे पहला सवाल है। सवाल नंबर 2, जब एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी के पास महाराष्ट्र में स्पष्ट बहुमत है, तो बीजेपी को एनसीपी की जरूरत क्यों पड़ी? इन दोनों सवालों का जवाब तलाशने का प्रयास आइए अब शुरू करते हैं। ऊपर से शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता संजय राउत का एक बयान भी काफी चर्चा में है। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बदलने वाला है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है, महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिलेगा, एकनाथ शिंदे को हटाया जा रहा है। जो चल रहा है एक केस डिस्क्वालिफिकेशन का, उसमें एकनाथ शिंदे के साथ 16 जो विधायक है वो डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं। इसलिए ये अजीत पवार जी को भागम भाग में अपने पार्टी में लिया है और अजीत पवार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। संजय राउत ने जो कहा उसे समझने के लिए और उससे समझने से पहले 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद से अब तक महाराष्ट्र विधानसभा के बदलते हुए अंक गणित को समझ लेते हैं। महाराष्ट्र का नंबर गेम क्या है, आइए आपको स्क्रीन पर दिखाएं एक एक करके। जरा फुल फ्रेम जाएं ताकि आपको अंक दिखें, मैं नहीं। तो 2019 में जब नतीजे आए तो एनडीए, उस समय की एनडीए जो थी, 105 भारतीय जनता पार्टी और 56 शिवसेना के, ये शिवसेना उस समय जुड़ी हुई थी याद कीजिए, 161 थे एनडीए में, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में। और यूपीए में कितने थे ये भी आपको बता दें, कुल 102, जिसमें कांग्रेस के 44, एनसीपी के 54, समाजवादी पार्टी 2, सीपीएम 1, ये उस समय की गणित थी। लेकिन फिर तीसरे दिन की जद्दोजहद के बाद महाराष्ट्र विकास अघाड़ी बनी और इसके बनने के बाद एनडीए में 105 हो गए, जिसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी शामिल थी, और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में 158 हो गए, यानी कि कांग्रेस के 44, एनसीपी के 53 अब रह गए, 53 उस समय 54 थे, शिवसेना के 56, सपा के 2, एसडब्ल्यूपी के 1 और सीपीएम के 1, ये सब अगर आप मिला दें तो 158 हो गया महाराष्ट्र विकास अघाड़ी। अब इस अंक गणित में 2022 में फिर फेरबदल हुआ, और वो कैसे हुआ कि जब शिवसेना टूट गई, बिखर गई, ऐसे में एनडीए का आंकड़ा
157 पहुंच गई। बीजेपी 106 पर थी, शिवसेना 40 पर, करीब 10 निर्दलीय और एमएनएस जो है वो 1 पर थी। और टूट के बाद महाराष्ट्र विकास अघाड़ी घटकर 117 पर आ गई, यानी कि 44 पर कांग्रेस थी, 53 एनसीपी और बाकी सब जो शिवसेना यूबीटी फैक्शन है यानी कि उद्धव ठाकरे वाला गुट, वो 16 पर आ गया। अंकगणित में कम हो गया महाराष्ट्र विकास अघाड़ी। तो ये माना जाने लगा कि अब महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो है वो विपक्ष में है और अब धीरे धीरे एक विकल्प की तरह अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, कोशिश कर रहा है लड़ने की बीजेपी और शिंदे गुट शिवसेना से। लेकिन उसी बीच 2023 में अब कुछ इस तरीके से दिख रहा है महाराष्ट्र का विधानसभा, जिसमें अगर आप ये जोड़ लें आंकड़े, 106 भारतीय जनता पार्टी के, 40 शिवसेना के, और अब तक की प्राप्त जानकारी के हिसाब से 53 एमएलएज में से 29 ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो एनसीपी अजीत पवार के साथ हैं। इसको अगर आप जोड़ लीजिए तो ये 186 पहुंचता है, 186 पहुंचता है। अब महाराष्ट्र विधानसभा जो है उसमें महाराष्ट्र विकास अघाड़ी अपने आप को 88 सीट पर पाती है, कांग्रेस 44 पर, शिवसेना उद्धव ठाकरे 16 और एनसीपी के अगर आप मान लें, अगर वो दावा 29 का कर रहे हैं तो बाकी 24 इधर। लेकिन आप ये जान लीजिए इन आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी शिवसेना और एनसीपी के बागी गुट को मिलाकर महाराष्ट्र की सरकार को कोई खतरा है ही नहीं। एनसीपी के बागियों के आने से पहले भी कोई खतरा था ही नहीं। एकनाथ शिंदे और उनके साथ पहले दल बदल करने वाले 15 अन्य विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि महाराष्ट्र के स्पीकर तय समय में इस पर कार्रवाई करें। लेकिन स्पीकर राहुल नार्वेकर हैं जो कि सत्तारूढ़ दल से हैं, तो वो क्या ऐसा करेंगे? अब ये स्पीकर आगे क्या करेंगे, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, संवैधानिक पद है, तो उनको निष्पक्ष ही होना चाहिए, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन आपको एक चीज और बता दें, और वो ये है कि क्या अजीत पवार और उनके साथ बगावत करने वाले एनसीपी विधायकों पर कार्रवाई हो सकती है? एनसीपी में बड़ी उथल पुथल चल रही है। अभी तक अजीत पवार समेत सिर्फ 9 विधायक ही शिंदे सरकार में मंत्री बने हैं, यानी कि आधिकारिक रूप से आप ये मान लीजिए कि 9 ही लोग, पेपर पर अगर देखा जाए तो 9 लोग अभी जाकर के जुड़े हैं। लेकिन ये तो आप जानते हैं कि एक नियम होता है जिसको कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर 53 एनसीपी के विधायक हैं तो उसमें से अगर सिर्फ 9 गए हैं उससे बात बनेगी नहीं। दावा 29 का किया जा रहा है। एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है कि 2/3 लोग अगर टूट के जाएंगे तभी आप ये काम कर भी सकते हैं, वरना आप कर भी नहीं सकते, कानूनी एक दिक्कत हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि 53 में से अगर 36 विधायक टूट करके जाते हैं तब जाकर के एंटी डिफेक्शन लॉ के नियम लागू नहीं हो। दावा अभी किया जा रहा है 29 का, यानी कि वो 36 के आंकड़े से कम है। एक और दावा भी किया जा रहा है कि 40, 41, 42 भी हो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो फिर वो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। आइए अब सुनते हैं कि जयंत पाटिल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं एनसीपी के, उन्होंने क्या कहा। ये हम समझते हैं 53-9 ये हमारे साथ है, हमें किसी पे अन्याय नहीं करना चाहिए और हम उनको पूरा मौका देंगे वापस आने का। लेकिन साथ साथ में जो नहीं आते हैं, जो पार्टी की लाइन छोड़ के जाते हैं, उनके ऊपर आवश्यक जो कानूनी कार्रवाई है वो हम इवेंचुअली करेंगे। काफी संपर्क में है, सब नहीं है, काफी संपर्क है। वैसे आज अजीत पवार गुट की ओर से एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं उनकी हैसियत से प्रफुल्ल पटेल ने जयंत पाटिल को हटाने का ऐलान कर दिया। मतलब ये तो अजीब सी स्थिति है, एक पार्टी जो टूट के गई वो अपने आप को पार्टी बता रही है और पिछली पार्टी जो है वो इन लोगों के खिलाफ कुछ बोल रही है, तो इस नई अलग हुई पार्टी ने पुरानी पार्टी के एक सदस्य को हटा दिया। ये पूरा एकदम चक्र चल रहा है। दल बदल करने वाले सुनील तटकरे को प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया है। हालांकि प्रफुल्ल पटेल ने यह भी साफ किया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी शरद पवार ही हैं। महाराष्ट्र की जिम्मेदारी हमने
श्री जयंत पाटिल को दी थी, उस जिम्मेदारी को आज तक हमने उनको वो करने का मौका दिया, लेकिन अभी मैंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते उसमें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी आज से श्री सुनील तटकरे जी को देने का फैसला किया है। क्या पवार साहब को आप मना पाएंगे, क्योंकि पवार साहब अपनी मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब इस्तीफा दिया था उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का, उस वक्त सब लोगों ने उनको मनाया तो वो वापस अध्यक्ष बन गए, क्या इस बार ऐसी स्थिति आएगी कि आप सब लोग उनसे एक बार फिर हमारी उनको हाथ जोड़कर विनती है कि पार्टी के बहुसंख्यक आमदार और पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के जन सामान्य कार्यकर्ताओं की इच्छा का वो आदर करे, और जो भी कुछ अभी ये एक प्रकार से हमारे हिसाब से कोई बात नहीं है, मगर एक प्रकार से जो एक चित्र जो नजर आ रहा है ये समाप्त हो जाए और उनका आशीर्वाद हम पर, सब पर और पूरी पार्टी के ऊपर हमेशा बना रहे। तो दोनों गुट जो हैं वो अब एक दूसरे पर इस तरह की कागजी कार्रवाई में जुट गए। उधर एनसीपी ने प्रफुल्ल पटेल और सांसद सुनील तटकरे समेत 11 नेताओं को पार्टी से निकालने का फरमान भी जारी कर दिया है। तो आप ये जैसे कि देख रहे हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, दोनों ही गुट एक दूसरे को सैक कर रहे हैं, एक दूसरे को निकाल रहे हैं, एंटी पार्टी एक्टिविटी बोल रहे हैं। अब इनमें अजीत पवार समेत मंत्री बनने वाले 9 विधायक शामिल हैं जिनको पुराने वाले गुट ने निकाल दिया। उधर अजीत पवार गुट का दावा है कि एनसीपी के जो 53 हैं, 53 में से 40 विधायक उनके साथ हैं, लेकिन अभी ये किसी को नहीं पता है कि पाला बदलने वाले 9 विधायकों के अलावा कितने विधायक वास्तव में उनके साथ हैं। तो क्या अजीत पवार पर दल बदल अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है, जानते हैं इस पर संविधान के जानकार पीडीटी आचार्य की क्या राय है। देखिए, ऐसा कोई नंबर नहीं है, नंबर कुछ भी हो, जिन्होंने पार्टी स्वेच्छा से छोड़ी है वो सब अयोग्य किया जाएगा। वो तो स्पीकर ही तय करेगा कि यहां से इन्होंने पार्टी छोड़ी है या नहीं छोड़ी है, तो वो स्पीकर को तय करना है। स्पीकर पक्ष विपक्ष के ऊपर है, से ऊपर है, स्पीकर को से ऊपर उठ के कानून के मुताबिक, कानून के आधार पर डिसीजन लेना होता है। लेकिन बात फिर वही, महाराष्ट्र में स्पीकर राहुल नार्वेकर जो बीजेपी के नेता भी रहे हैं, स्पीकर के तौर पर उन्हें ये उम्मीद जताई जा रही है कि निष्पक्ष फैसला करना है, और ये उम्मीद सब दल जता रहे हैं कि बतौर स्पीकर जिस संवैधानिक पद पर वो हैं वो एक निष्पक्ष फैसला ही करेंगे, शिवसेना के विधायकों के मामले में भी और अब इस मामले में। लेकिन फिर से आइए लौटते हैं उन दो सवालों पर, फुल फ्रेम उनको दिखाते हैं जो सवाल हमने शुरुआत में पूछे थे। सवाल नंबर एक, एनसीपी के इन नेताओं को बीजेपी के साथ जाने को मजबूर क्यों होना पड़ा, और सवाल नंबर दो कि जब एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी के पास महाराष्ट्र में स्पष्ट बहुमत है तो भारतीय जनता पार्टी को एनसीपी की जरूरत क्यों पड़ी। आप सोचिए, 145 है वो जादुई आंकड़ा, अभी ही अगर आप देखें तो 158 पर है गठबंधन, उसमें अगर आप एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट लें कि एनसीपी के अजीत पवार के साथ आप 29 ही विधायक जाते हैं तो 185 पर पहुंच जाता है, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। तो क्या है इसके पीछे की गणित, और क्या है ये पूरा खेल सिंहासन 24 का, 2024 का, आइए अब एक एक करके समझने की कोशिश करें। पहले सवाल का जवाब ये बताया जा रहा है कि पाला बदलने वाले एनसीपी नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे थे। कई अखबारों ने आज प्रमुखता से यह खबर छापी है कि ये नेता लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों के रेडार पर थे और कई मामले कोर्ट में काफी आगे पहुंच गए, खास तौर पर अजीत पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और हसन मुशरिफ, इन चारों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कस चुका है। ऐसे में विपक्ष का आरोप है कि जांच एजेंसियों से बचने के लिए और केंद्र सरकार की कृपा दृष्टि के लिए, जिसको अहले जबां वॉशिंग मशीन कहा जाता है, केंद्र सरकार की वॉशिंग मशीन की आओ
इसमें नहा जाओ और साफ होकर के बाहर निकल जाओ, ये आरोप लगता है। उसमें ये सारे नेता अब डुबकी लगा रहे हैं और इस वॉशिंग मशीन से धुलकर सफेद हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद इन नेताओं को है। अजीत पवार और उनकी पत्नी की हवाला के मामले में प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रही है और ये सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता समय समय पर लगाते रहे हैं। प्रधानमंत्री भी लगा रहे हैं, इसके अलावा और भी नेताओं ने ये आरोप लगाए हैं, किरीट सोमैया तो लगा ही रहे हैं। ईडी इससे पहले महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक केस में अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार पर और उनसे जुड़ी हुई एक चीनी मिल की संपत्ति जब्त कर चुकी है, हालांकि बाद में उनके नाम ईडी की चार्जशीट से हटा दिए गए। अजीत पवार हजारों करोड़ के सिंचाई घोटाले में भी जांच एजेंसियों के निशाने पर है। छगन भुजबल की बात करते हैं, वो 2015 में ईडी गिरफ्तार इनको कर चुकी है, उनके खिलाफ हवाला के दो केस चल रहे हैं, एक महाराष्ट्र सदन के निर्माण से जुड़ा केस है और दूसरा मुंबई में एक प्लॉट के अलॉटमेंट से जुड़ा हुआ है। प्रफुल्ल पटेल दाऊद इब्राहिम के करीबी साथी और गैंगस्टर इकबाल मिर्ची से जुड़े एक हवाला के केस में जांच के घेरे में है। ईडी इस सिलसिले में उनकी सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुका है। सुनील तटकरे जिनकी बेटी अदिति तटकरे मंत्री बनी है, वो भी सिंचाई घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच के घेरे में है। हसन मुशरिफ और ये वो लोग हैं जिन्होंने कल स्वेरिंग इन, मतलब ये अब मंत्री बनेंगे, कोल्हापुर की एक शुगर मिल से जुड़े हवाला के केस में ईडी की जांच के घेरे में है। हसन मुशरिफ की हम बात कर रहे हैं और इनके खिलाफ आरोप किरीट सोमैया खुद लगाते थे, बीजेपी के तमाम नेता महाराष्ट्र में इनके खिलाफ मुखर होकर के बोलते थे, अब ये मंत्री बन जाएंगे बीजेपी के साथ, बीजेपी के सहयोग से, बीजेपी के आशीर्वाद से। ये इन नेताओं के खिलाफ घोटालों के मामलों का एक मोटा मोटा ब्यौरा है जिसकी और जानकारी दे रहे हैं सुनील सिंह। एनसीपी नेता अजीत पवार के बारे में चर्चा तो पहले से रही है कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, सरकार में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कल यानी कि रविवार को जिस तरह अचानक से उन्होंने जाकर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनके साथ छगन भुजबल ने भी मंत्री पद की शपथ ली और प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता भी वहां साथ में दिखाई दिए, ये बात सभी के लिए हैरान कर देने वाली है और कयास अलग अलग लगाए जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया, और वो भी तब जबकि शरद पवार खुद नहीं चाहते थे कि ये लोग बीजेपी के साथ जाके सरकार में शामिल हो। तो ऐसी क्या ज़रूरत, मुसीबत या फिर वजह थी कि ये पार्टी ये जाके बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो गए शरद पवार की मर्जी के बिना? तो इसके लिए अलग अलग कई वजह और कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन खुद शरद पवार ने भी जो इशारा किया है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों जो एक बयान दिया था और कहा और एनसीपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और जो भी आरोपों से घिरे उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी, तो प्रधानमंत्री की वो बात कहीं ना कहीं इन लोगों को बेचैन कर दी और उस बेचैनी से या गिरफ्तारी के डर से इन्होंने इस तरह का कदम उठाया होगा, ऐसा कुछ शरद पवार ने बयान दिया है, उन्होंने संकेत दिया है इस बात का। अजीत पवार को लेकर अटकलें काफी समय से चल रही थीं कि वो आज आएंगे कि कल आएंगे और वो अपने चाचा शरद पवार का हाथ छोड़कर दूसरे पाले में चले ही गए। इससे पहले भी जा चुके हैं 2019 में, लेकिन 80 घंटे के बाद वो फिर बैक टू पेविलियन हो गए। फिर शरद पवार के साथ मिल करके जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी बनी उसमें भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए और अभी फिर बन गए, 5 साल में तीसरा स्टिंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार। लेकिन क्या इसके पीछे कहीं पवार परिवार के अंदर का पावर गेम भी है? एनसीपी में बगावत के अगले दिन आज शरद पवार ने जब सतारा में शक्ति प्रदर्शन किया तो इस दौरान एक व्यक्ति सबसे ज्यादा उस पर निगाह बनी हुई थी, और वो कौन व्यक्ति है ये आप पीछे देख रहे हैं, ये हैं जो अभी खड़े हुए हैं, फ्रेम से बाहर हो गए, एकदम पीछे बैठे रहते हैं, कैमरे में आते हैं, और वो कौन है? ये हैं रोहित पवार, शरद पवार के बड़े भाई अप्पा साहेब पवार का पोता। कहा जा रहा है कि शरद पवार अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार से ज्यादा रोहित पवार पर भरोसा कर रहे हैं। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप इनको एकदम पीछे बैठे हुए देखेंगे। रोहित ने प्रेस से बात भी की और कहा कि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अजीत पवार बीजेपी से हाथ मिला लेंगे। उधर शरद पवार ने कहा कि मेरी पार्टी से कौन गए इसकी मुझे परवाह नहीं, मुझे अपने ऊपर जो है वो आज भी पूरा भरोसा है और आज के कदम की परवाह है।
देखो अगर आप कमेंट्स देखे या लोगों से बात की, जो एक साल से महाराष्ट्र में चल रहा है, तो जो जिन लोगों ने मतदान किया है उनको भी ये चीज अच्छी नहीं लगी, और जब ये चीज अच्छी नहीं लगती तब वो कहते हैं कि उनका जो मतदान है वो शायद वेस्ट हो गया। हम भी नए आमदार हैं, पहली बार राजनीति में आए हैं, तो कभी कभार हमको भी लगता है कि राजनीति में आने के बाद हमने गलती की क्या। लेकिन ये जो भूमि है, ये महाराष्ट्र की भूमि है, ये संत विचार की भूमि है, थोर व्यक्ति के विचार इस भूमि में लोगों के मनों में है, और इस सिचुएशन में लड़ना भी इसी भूमि ने, इसी विचार ने हमको सिखाया है। तो कितना भी मतदारन को लगा, मैं उनको उतना ही कहूंगा कि लड़ना तो हमको है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस दो तीन बार ऐसा है, इसे कितने गए कौन गए इसकी जांच मैं कभी करता नहीं हूँ। जो मेरी आज की जो शुरुआत है, ये शुरुआत आगे का रिजल्ट ठीक आएगा इसके लिए है। तो जैसे कि आपने अभी देखा वो जो क्लिप चल रही थी, उसमें वो व्यक्ति जो पीछे ही बैठा हुआ है फोन पर लगा हुआ है, देखते हैं अगर वो तस्वीर स्क्रीन पर हम डाल सकें, फिर रिएक्शन दे रहा है, लगातार शरद पवार के साथ दिखते हैं रोहित पवार। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चेहरा बन चुके हैं वो एनसीपी में, और क्या ये पवार परिवार का पावर गेम ही तो नहीं है? वो देखिए वो जो पीछे जो बैठे हुए, यही अभी खड़े हुए फोन पे बात कर रहे हैं, लगातार बिजी। जैसे कि आपने सुना, पवार परिवार पर करीबी निगाह रखने वाले रोहित पवार। लेकिन अब हम आपको बताते हैं एक और व्यक्ति के बारे में जो कि पवार परिवार पर बहुत ही करीबी निगाह रखता है, और वो हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती। लगातार पवार परिवार की जो पावर पॉलिटिक्स है उसको वो ट्रैक करते हैं, तो उनका क्या असेसमेंट है, उनका क्या विश्लेषण है, आइए जानते हैं। शरद पवार के परिवार में एक तीसरी पीढ़ी के लिए भी जंग चल रही है, जिसमें दो नाम सामने आते हैं, एक रोहित पवार, दूसरा पार्थ पवार। पार्थ पवार जो हैं अजीत पवार के बेटे हैं। पार्थ पवार ने चुनाव लड़ा था मावल लोकसभा सीट के लिए 2019 में, लेकिन बुरी तरह हार गए। उनको शिवसेना के उम्मीदवार ने 2 लाख से अधिक वोटों से हराया था। उस वक्त पार्थ पवार की इस बात को लेकर के आलोचना हुई कि वो बड़े ही अंग्रेजी अंदाज में मराठी बोलते थे। उसके बाद हाल के दिनों में जनवरी में एक शिवसेना के शिंदे गुट के मंत्री से वो मिलने गए, तब सुर्खियों में आए। फिलहाल उनकी राजनीतिक गतिविधियां उतने देखने में नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ शरद पवार परिवार के रोहित पवार, जिसको कि लोग उत्तराधिकारी मान रहे हैं शरद पवार का, उनको कहा जाता है कि पवार साहब ने ग्रूम किया है। 2017 में जिला परिषद का चुनाव रोहित पवार जीते, उसके बाद 2019 में विधानसभा का चुनाव उन्होंने जीता 1,35,000 वोट से। फिलहाल वो महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, साथ ही बारामती में एग्रो बेस इंडस्ट्री के उनके भी मुखिया हैं। तो कहा जाता है कि जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आजकल हाल में हो रहे हैं या पवार साहब जितने भी राजनीतिक गतिविधियां करते हैं, उसमें रोहित पवार को वो साथ रखते हैं, और आने वाले दिनों में जो तीसरी पीढ़ी जो लॉन्च हो रही है पवार की, उसमें रोहित पवार का नाम फिलहाल सबसे ऊपर है। तो आइए फिर से एक बार लौटते हैं, पहले सवाल का तो हमने जवाब दे दिया इस पर जो विश्लेषण है कि एनसीपी के इन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को क्यों मजबूर होना पड़ा। लेकिन जो दूसरा सवाल है ना, अब आइए उसका जवाब तलाशते हैं, और वो दूसरा सवाल क्या है जरा आपको स्क्रीन पर दिखाएं। दूसरा सवाल ये है कि जब एकनाथ शिंदे को शिवसेना के साथ गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के पास महाराष्ट्र में स्पष्ट बहुमत है, तो बीजेपी को एनसीपी की जरूरत क्यों पड़ी? तो आइए अब आपको बताते हैं कि ये क्यों जरूरत पड़ी। एनसीपी के इन नेताओं पर इतने गंभीर आरोप हैं, फिर भी बीजेपी जो है इनके साथ जुड़ गई है, इनकी जरूरत महसूस हो रही है। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2024 में, लेकिन आम चुनाव उससे पहले अप्रैल मई 2024 में होने, ऐसे में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सियासी कवायद की जो भी प्राथमिकता होगी वो महाराष्ट्र में जो 48 लोकसभा सीटें हैं उनको लेकर के हो रही। देखिए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीट महाराष्ट्र में ही है। क्या अजीत पवार के आने से भारतीय जनता पार्टी को मराठा वोट हासिल करने में मदद मिलेगी? क्या एनसीपी को तोड़ने के बाद बीजेपी ने विपक्ष की एकता की कोशिशों की चमक
कुछ फीकी कर दी है, क्योंकि ये कहा जाएगा कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता जो हैं, जो अपने आप को एक बहुत बड़ा चाणक्य बताते थे, उनकी अपनी ही पार्टी में साख कम हो गई है, तो वो विपक्षी एकता क्या करेंगे। ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर बात करने के लिए आइए अब मैं स्वागत करना चाहता हूं विजय चोरमारे जी, वरिष्ठ पत्रकार, और वेंकटेश केसरी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। वेंकटेश जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, देखिए अंक गणित की अगर बात करें तो 53 है एनसीपी के पास, वो जरा स्क्रीन पर दिखा भी दें हम लोग अपने दर्शकों के लिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए 53 में से आपको 36 चाहिए, ठीक है। अगर आप 36 विधायक तोड़ करके ले जाएंगे तब एंटी डिफेक्शन, दो तिहाई टूट करके जाने चाहिए तभी बात बनेगी। अभी ऐसा दावा किया जा रहा है कि 29 है, 29 से तो बात बनेगी नहीं, इसका मतलब और लोग भी होंगे। एक दावा यह भी किया जा रहा है कि 40, 41 ये नंबर और ये संख्या, ये रहा स्क्रीन पर, अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखा दें। दल बदल कानून का जो डंडा है वो ये कहता है कि आपको 53 में से 36 विधायक आपके पास होने चाहिए, ये जरूरत है अजीत पवार को अगर वो शांति से रहना चाहते हैं, और अजीत पवार का अभी दावा है 29 का। तो वेंकटेश जी, आपको लगता है ये 29 से ऊपर का आंकड़ा होगा उनके पास, तभी उनको एक कॉन्फिडेंस मिला कि संडे को ओथ ले ली? ऐसा है कि अगर ये आंकड़ा बढ़ना है तो भाजपा के सहयोग के बिना या सेंट्रल मिनिस्टर के सहयोग के बिना ये बढ़ नहीं सकता है, नंबर वन। नंबर दो, ऐसा है कि 24 घंटे हुए लेकिन पोर्टफोलियो एलोकेशन नहीं हुआ है, 24 घंटे हुए, तो ये कहीं ना कहीं विद इन द रूलिंग पार्टी, रूलिंग फ्रंट में कहीं ना कहीं खींच तनाव दिखाई दे रहा है। अदरवाइज जनरली जैसा हम देखते हैं, जैसे शपथ होते दिए उसके बाद में घंटा दो घंटे में खातों का वाटअप किया जाता है, लेकिन इस बार नहीं हुआ है। और तीसरी बात कि जो शरद पवार मैदान में निकले हैं उनके लोग संपर्क कर रहे हैं, MLAs डबल माइंड में हैं, जो गए वो उसका कारण आपने बता दिया कि क्यों गए, जिन्होंने शपथ ली मंत्री की, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको अभी पॉलिटिकल असेसमेंट जजमेंट नहीं आ रहा है, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, ये जो ट्रांजिशन पीरियड है। तो मुझे लगता है कि ये नंबर गेम जब तक सेंट्रल एजेंसी डंडा नहीं करेगी, जब तक केंद्रीय यानी गवर्नमेंट से कुछ खेल नहीं होगा, तब तक नंबर बढ़ेंगे नहीं है। और ये महाराष्ट्र की भूमि तो आप जानते हैं, महाराष्ट्र में कभी इस तरीके से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी नहीं देखी पिछले 4 साल में, ये भूमि भजनलाल की भूमि बन गई है। यहाँ आप जहाँ देखो वहाँ आयाराम गायाराम दिख रहे, सवेरे बोलते कि हम आपके साथ में हैं, हमारा सेना फाड़ दिया है तो उसके अंदर शरद पवार निकलेंगे, और शाम में उधर जाके अजीत पवार के साथ में बैठते हैं। तो ये कभी महाराष्ट्र की भूमि ने कभी देखा ही नहीं है। तो लोग भी ये समझने की कोशिश कर रहे हो क्या रहा है। एक तरफ पावर का लालच है, दूसरी तरफ खुद को बचाने की कोशिश है, तो इसके अंदर राजनीति। मैं एक सवाल विजय चोरमारे जी आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये सिंहासन 24 है, अगर ये पूरी गणित लगाई जा रही है 2024 के लोकसभा के लिए, तो जाहिर सी बात है कि अगर आज मैं एकनाथ शिंदे हूं तो मुझे बड़ी चिंता होनी चाहिए कि मेरे रहते हुए जब कोई दिक्कत नहीं थी, सारे नंबर थे, मेजोरिटी थी, 145 से ऊपर का आंकड़ा था, उसके बाद भी एक और अलायंस पार्टनर ले आए, तो ऐसे में मेरी क्या भूमिका रहेगी? कल को पता चला अगर मैं बहुत महत्वाकांक्षी हो गया एकनाथ शिंदे के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी पलट के कह दी कि अच्छा बहुत बढ़िया रहा आपके साथ काम करने का, हमारे पास अजीत पवार हैं, आप जा सकते हैं। संकेत जी देखिए, मुझे लगता है एकनाथ शिंदे का मामला ये नहीं, एकनाथ शिंदे जब ये अजीत पवार का शपथ विधि हुआ तब एकनाथ शिंदे ने जो प्रतिक्रिया दी, उसने कहा अब डबल इंजन सरकार, अब ट्रिपल इंजन सरकार बन गई है और जोर से और गति से काम करेगी, उनकी ये रिएक्शन रही है। मगर मुझे लगता है ये सारा खेल बीजेपी का है, इसमें एकनाथ शिंदे का कोई रोल नहीं है, एकनाथ शिंदे को पूछ कर कुछ नहीं किया होगा, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी कभी बताया था कि इसके लिए एक साल पीछे जाना चाहिए, अगस्त 22 में, पिछले साल के अगस्त में सी वोटर का एक सर्वे आया था, यानी कि 3 महीने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार सत्ता में आने के बाद, 3 महीने पूरे होने के बाद सी वोटर का सर्वे आया था, और उस सर्वे में आंकड़े आए थे कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे इस पार्टी को लोकसभा में सिर्फ महाराष्ट्र में 48 में से 18 सीटें मिल सकते हैं, जो कि पहले बीजेपी के पास 23 और शिवसेना के पास 18 सीटें थी, और उस
18 में से जो 12 जो शिवसेना में टूट पड़ने के बाद उसमें के 12 अब एकनाथ शिंदे के साथ आए, ऐसे होते हुए भी और एकनाथ शिंदे के 41 एमएलए साथ होने के बाद भी अगर बीजेपी का हाल इतना बुरा हो सकता है, मतलब मुझे लगता है उसके बाद बीजेपी ने एक अलायंस पार्टनर खोजने की कोशिश की। एक कोशिश ये भी रही कि उद्धव ठाकरे फिर से साथ आते हैं क्या, आते हैं या नहीं, मगर उद्धव ठाकरे और उन्होंने रुख साफ कर दिया कि उन्हें बीजेपी के साथ फिर कभी नहीं आना है, तो उन्होंने एनसीपी का विकल्प ढूंढा। ये विकल्प इसलिए ढूंढा कि 18 से ज्यादा ऊपर की कुछ सीटें होगी, उस ऊपर की कुछ सीटें जो 25,000 के 50,000 के कुछ कम मार्जिन से हारने की संभावना है उस जगह इन कौन लोगों सा प्रभाव क्षेत्र है ये आपको लगता है विजय चोरमारी जी? और सबसे बड़ा सवाल कि ये जो प्रभाव क्षेत्र है इससे क्या सही में फायदा होगा, क्योंकि अगर शरद पवार अभी भी एक्टिव हैं, वो भी अगर मैदान में उतरते हैं तो फिर ये तो वोट में दो फाड़ हो जाएगा एनसीपी के गढ़ में ही। नहीं संकेत जी, प्रभाव क्षेत्र का मुद्दा नहीं है, जो बीजेपी को 23 सीटें मिली है वो विदर्भ में मिली है, नॉर्थ महाराष्ट्र में मिली है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में मिली है, मुंबई में मिली है, मराठवाड़ा सारे क्षेत्रों में मिली है। वैसे ही शिवसेना जो अब जो प्रॉब्लम आएगा, जो शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी वो सीटों के बारे में बीजेपी को वो सीटें फिर हासिल करने के लिए, अपने अलायंस पार्टनर को हासिल करने के लिए, अपने खुद बीजेपी के कैंडिडेट को हासिल करने की मुझे लगता है बीजेपी को जरूरत है, और उसी लिए एक कवायद चल रही है कि उस जगह ये अजीत पवार हो और कोई एमएलए हो, उनका थोड़ा थोड़ा अगर सहाय मदद मिल जाएगी तो जो 25,000-60,000 की जो पीछे चल रहे हो आगे जाके वो उसमें से कुछ 10-12-15 सीटें जीत सके। तो ये अंक गणित पूरी तरीके से 2024 को ध्यान में रख करके की जा रही है, ये बात एकदम स्पष्ट आप लोगों की दोनों की बातों से लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। महाराष्ट्र में एनसीपी में बगावत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब ये दावा किया है कि अब बिहार में जनता दल यूनाइटेड में टूट होगी और दूसरा परिवारवाद के कारण क्षेत्रीय दल और कमजोर होंगे। ये किस तरफ इशारा कर रही है भारतीय जनता पार्टी और इससे कहां जाएगी विपक्षी एकता और कुनबे में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में जो हुआ बिहार में भी वैसा ही होने की भविष्यवाणी बिहार बीजेपी के नेताओं ने कर दी। देखिए बड़ी संख्या में लोग हम लोगों के भी संपर्क में हैं, लेकिन अब किसको लेंगे नहीं लेंगे, लेना कि नहीं लेना, बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, लेकिन कुल मिलाकर एक अस्थिरता का माहौल है, एक जनता दलियों के अंदर एक उदासी है, लोगों का अपना भविष्य अंधकार में दिखाई पड़ रहा है, उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार के बाद क्या होगा। कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि विपक्षी दल जो हैं उनके इस कारनामों से और मजबूती के साथ एक होंगे और ये उनका कारनामा जो है ये इस बात का प्रमाण है कि वो घबराए हुए हैं। नीतीश कुमार ने अपने विधायकों और सांसदों को एकजुट रखने के लिए पिछले 4 दिनों के दौरान एक एक कर सबसे मुलाकात की और माना जा रहा है कि कुछ विधायक अगर बीजेपी से लोकसभा में टिकट का वादा पक्के तौर पर मिल गया तो जनवरी से बगावत कर पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन परिवारवाद क्षेत्रीय दलों पर भारी पड़ रहा है जिसे लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में उनके पूर्व सहयोगी ने ही टूट की भविष्यवाणी कर दी। यूपी में भी बड़ा उठापटक होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी के कई विधायक और सांसद दल छोड़ करके कुछ लोग सरकार के विस्तार में शामिल होना चाहते हैं कि सरकार का विस्तार उसमें अगर हमको शामिल कर लिया जाए तो वो शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे। कई लोग हैं कि जो लोकसभा का टिकट चाहते हैं वो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अपना जुगाड़ बैठाए हुए हैं। इस तरह का यहाँ भी वही खेल होने जा रहा है जो महाराष्ट्र में हुआ है कि जो लोग इसको परिवारवाद वगैरह का नाम देते हैं आप लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। इसमें ताजपोशी नहीं होती है, आप चुनाव में जाते हैं, लोगों के मध्य जाते हैं, अपने मुद्दे रखते हैं और बीजेपी जैसी पार्टी हारती है इन क्षेत्रीय दलों के समक्ष, इसलिए क्षेत्रीय और राष्ट्रीय के युग्मक बाइनरी से लोगों को उलझाने की कोई कोशिश ना करें, उसी में लोकतंत्र का भला है। फिलहाल बीजेपी के आक्रामक रूप को देखते हुए सभी दल अब अपने कुनवे को एकजुट रखने में सचेत हो गए हैं। हालांकि उनका कहना है कि चिराग की पार्टी तोड़ने के बाद उसके साथ हाथ मिलाना बीजेपी के लिए एक संदेश है कि विधायकों और सांसदों को अपने पाले में करने से इन दलों की प्रासंगिकता खत्म नहीं हो जाती।
कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो आज खबरों की खबर में इतना ही। नमस्कार।